जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जितने लोग इस बार बिहार बेल्ट्रॉन का फॉर्म भरे हैं उन सभी के लिए सेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो खान सर द्वारा बुक निकाला गया है प्रीवियस ईयर का, उस बुक का सेट नंबर हम लोग 8 आज देखने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं, सारा वीडियो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हो, देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि MS Excel में सेल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के तहत आप बहुत सारे विकल्प देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक विकल्प नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है टाई डी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा टाई डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विंडोज में सिस्टम सेटिंग का बदलाव डैश के माध्यम से किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल पैनल के द्वारा, इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि कुछ MS Excel वर्जन कुछ सामान्य टेक्स्ट ओरिएंटेशन ऑप्शंस प्रस्तुत करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध में असामान्य है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा टेक्स्ट बॉटम, इसका राइट आंसर ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी प्रारूपी 6 फेज वाले कंपाइलर का फेज 3 डैश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मान्य संबंधित विश्लेषण, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि MS Excel 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध चार्ट का प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कैटर, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सेल्स में समान फार्मूला कॉपी करने के लिए सेल्स को सिलेक्ट करना चाहिए और एक सामान्य तरीके से फार्मूला लिखना चाहिए और फिर सभी सेल्स के लिए सामान्य फार्मूला हासिल करने के लिए डैश को प्रेस करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा कंट्रोल प्लस इंटर, इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाकी से अलग है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है 3D प्रिंटर, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि आप विंडोज 10 में किसी नई डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए किस प्रकार की पहल करेंगे, चलिए आगे ऑप्शन दिखाते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, स्टार्ट सेटिंग डिवाइसेस, ठीक है, ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि इस एड्रेस के एड्रेस क्लास का पता लगाएं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्लास, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, क्लास डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट में करेंट स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए डैश को दबाएं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कंट्रोल प्लस डी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। MS Excel पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू डैश है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, प्रेजेंटेशन के किसी ओवरऑल व्यू के लिए थंबनेल फॉर्म्स में स्लाइड को डिस्प्ले करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है कि MS Word 2016 के एक टेबल में नियत कॉलम्स की अधिकतम संख्या डैश होती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 63। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे की किस डिवाइस का ज़्यादातर उपयोग यूजर्स की फाइल्स को कॉपी या मूव करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर पेन ड्राइव, इसका राइट आंसर ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें, जब MS Excel 2016 में आप होम फॉर्मेट ओरिजिनल शीट टैब कलर को सिलेक्ट करते हैं और जो कलर्स को मैट्रिक्स दिखाई देता है उनमें से एक कलर पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नीचे हिस्से में वर्कशीट टैब के बैकग्राउंड का रंग सिलेक्ट रंग में बदल जाता है, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कि वर्कबुक के प्रोटेक्शन के तहत MS Excel में हम स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिसका आशय सीट पर कुछ निषेधों से है, इस संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में कौन सही निषेध है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें, किसी प्रारूप सी प्रोग्राम में दो बातें, दोनों असाइनमेंट निर्देशों के निष्पादन के बाद ए और बी के मान क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संक्षिप्त रूप www. के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। MS Word में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को व्यक्तिगत बना लेने का डैश फील्ड एक तरीका है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा मर्ज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कि MS Excel में कंट्रोल प्लस स्पेस कुंजी संयुक्त का उपयोग
डैश के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मान लें कि एक्सेल शीट में आपके पास एक टेबल है और ई कॉलम में आपके पास पूर्णांक मान E2 से शुरू है, यदि नया कंडीशन फॉर्मेटिंग रूल लागू किया जाता है तो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर ई कॉलम में डेटा का मान 10 से अधिक होने पर टेबल की रो हाइलाइटेड हो जाएंगी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर HDD पर एक विशिष्ट नाम वाली जगह है जो किसी यूजर की हटाई गई फाइल्स और फोल्डर को रखता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा रिसाइकल बिन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें कि एक लिंक किए हुए स्लाइड तक मूव करने के लिए आप MS PowerPoint 2016 में किस तरह से हाइपर लिंक जोड़ेंगे। मान ले कि आप नॉर्मल व्यू मोड में हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और हाइपर लिंक आदि को चूज करें, इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में फॉर्मेटिंग सेल ऑप्शंस किसी टेक्स्ट को पूर्ण परिभाषित कोण पर घूमते दिखने की अनुमति देता है, डिग्री में इसकी स्वीकृति सीमा क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा -90 से 90, ठीक है, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें कि डिस्प्ले हो रही स्लाइड्स के चेंज के बीच मोशन इफेक्ट अप्लाई करने में प्रयुक्त फीचर को चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड ट्रांजिशन फीचर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट टैब के नीचे निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्शन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ऑडियो नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें कि डैश एक ऐसी छोटी लेकिन बहुत तेज मेमोरी है जिसे CPU और मुख्य मेमोरी के बीच रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कैश, ठीक है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पहला वेब ब्राउजर कहाँ विकसित किया गया। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, राइट आंसर स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एमएस वर्ड में सिलेक्ट टेक्स्ट को डैश अनुक्रम का पालन करके कहीं और कॉपी किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, Ctrl+C Ctrl+V, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 में रो और कॉलम को डैश के माध्यम से रिसाइज किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होम, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी डायल अप कनेक्शन की स्पीड आमतौर पर डैश होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 KBPS, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एमएस वर्ड 2016 में बुलेटेड लिस्ट डैश के नीचे आती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा होम पैराग्राफ, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी इंटरनेट IPv4 एड्रेस में डैश आर्किटेक्ट्स प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्सेल में सेल A1 और A2 में क्रमशः नंबर 4 और 6 है, निम्नलिखित फॉर्मूले को क्या परिणाम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए होगा, 5 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस वर्ड में वर्तनी और व्याकरण जाँच करने के लिए डैश को दबाया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा F7। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एमएस एक्सेल में किसी पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई लगभग डैश के बराबर बनाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 15 सेमी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कोई डैश कुंजी संयोजन का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा Ctrl+M, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा DB2, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि आप एमएस एक्सेल 2016 में किसी वर्कशीट की प्रोटेंटिंग के लिए जाते हैं तो कौन से ऑप्शन मौजूद होते हैं। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा स्टॉक विंडो, इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट की प्रोटेक्टिंग के लिए आप पहले डैश पर क्लिक करते हैं और फिर अन्य उपयुक्त क्रियाओं का पालन करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है रिव्यू टैब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एमएस वर्ड में Ctrl+F का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ के बीच एमएस वर्ड में शॉर्टकट Ctrl+Y का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अंतिम एक्शन को रीड
करने के लिए, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एमएस वर्ड में अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एन इस कुंजी संयोजन का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, तो डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज परिणामों को इकट्ठा करने के लिए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एड्रेसिंग मोड में आप रैंड शीघ्रता से आप कोड का अनुसरण करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमीडिएट, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फाइल एडिट व्यू जैसी विकल्प डैश पर किसी विंडो में उपलब्ध होते हैं, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा मेनू बार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस वर्ड में अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस के इस कुंजी संयोजन का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, तो किसी मेल मर्ज के प्रीव्यू के लिए, इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एमएस वर्ड में कुंजी संयोजन अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेल मर्ज डेटा सोर्स के संपादन के लिए, इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एमएस वर्ड में अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस यह कुंजी संयोजन डैश को ओपन करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टैगल स्लेप्ट स्क्रिप्ट को, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कि एमएस एक्सेल 2016 विंडो में बाएं बटन पर प्लस क्लिक करने के बजाय डैश के द्वारा एक वर्कशीट को जोड़ना जा सकता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, होम इंसर्ट और इंसर्ट शीट, इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आप कंप्रेस्ड किए जाने वाले फाइल या फोल्डर के चयन के बाद कंप्रेस करने के लिए नीचे के किस चरण का अनुपालन कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है, राइट क्लिक सेंड टू, ठीक है, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस एक्सेल में मोड फंक्शन का प्रतिफल क्या होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फंक्शन को दी गई दो संख्याओं के विभाजन के बाद शेष, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उस एमएस एक्सेल वर्जन में वर्कबुक प्रोटेक्शन विकल्प के तहत प्रोटेक्ट टिम विंडो का अर्थ क्या है, तो जिसमें यह मौजूद है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विंडोज को ड्रैग नहीं किया जा सकता है, इसका राइट आंसर सी। चले नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मेल मर्ज में कौन से दो डॉक्यूमेंट आवश्यक होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस वर्ड 2016 में रजिस्ट्रेक्टेड एक्सेस का विकल्प डैश के नीचे आता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फाइल मेनू के नीचे आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लिंकर डैश के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करने, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एमएस एक्सेल में शिफ्ट प्लस स्पेस कुंजी संयोजन का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, तो किसी रो को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट टैब में पिरामिड और मैट्रिक्स नाम वाले दो विकल्प उपलब्ध है, उनमें से प्रत्येक में कितने सब ऑप्शन मौजूद होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, चार होते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि यूएसबी 4.0 या हाई स्पीड वाला यूएसबी डैश की उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 40 GPS, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड स्क्रीन में आप जूम कंट्रोल को कहां पाते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बॉटम राइट में, इसका राइट आंसर सी। तो दोस्तों, क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन और प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।